Hello guys, I'm ZRK sir and today I'm gonna teach you some words, right? And word ले रहा हूँ मैं promise. इससे related कुछ words बताऊँगा, इसकी nearby words. Promise जैसे कि वादा करना होता है, आप जानते हैं सब लोग. जैसे मैं आप simple sentence बोल रहा हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ, है ना. I promise you. Simple में बोल सकता हूँ, है ना भाई. Promise मत करो, do not promise. आप ऐसा बोल सकते हैं English में. और कई बार बोलते हैं भाई झूठे वादे, मतलब कुछ लोग ऐसे वादे कर देते हैं जैसे कि कई बार आप मूवीज वगैरह में देखते हैं भी, चांद के पार चलो, है ना, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ दूंगा, इस तरह की कुछ बातें करते हैं. तो उस वर्ड के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रॉमिस द मून. वो बातें करना, ऐसे वादे कर देना, मतलब बिना बात झूठे वादे, बिल्कुल एक तरह से जो चीजें हो नहीं सकती. सो डू नॉट प्रॉमिस द मून, तो सेंटेंस बोलते थे डू नॉट प्रॉमिस द मून. अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल में पूछना है किसी से, आप डू यू प्रॉमिस द मून, मतलब आप क्या ऐसे वादे करते हो जो निभाए ना जा सके, बिना बात, जिनके कोई सिर और पैर नहीं होता, है ना. सो आई डू नॉट प्रॉमिस द मून, तो वर्ड हो गया प्रॉमिस द मून, राइट. और भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आप वादा निभाना, कीप द प्रॉमिस. आप किसी से पूछते हो भाई क्या आप वादा निभाओगे, विल यू कीप द प्रॉमिस, विल यू कीप द प्रॉमिस. आप बोल सकते हैं, अगर बंदा बोल रहा है यस आई विल कीप द प्रॉमिस, मना कर रहे हैं आई विल नॉट कीप द प्रॉमिस, आई विल नॉट कीप द प्रॉमिस. आई बिलीव आपको ये समझ में आ रहा होगा. और भी हम वर्ड्स यूज कर सकते थे. एक होता है ब्रेक द प्रॉमिस, वादा तोड़ना, है ना भाई, वादा मत तोड़ो, डू नॉट ब्रेक द प्रॉमिस, है ना. व्हाई आर यू ब्रेकिंग द प्रॉमिस, यू शुड नॉट ब्रेक द प्रॉमिस, राइट. आप ऐसा बोल सकते हैं. एक और वर्ड यूज कर सकते हैं रिनीग, रिनीग द प्रॉमिस, मतलब आप किसी से वादा करते हो कि सपोज आपने किसी से वादा करा कि आई विल पे यू, है ना, आई विल गिव यू मनी, सही. आपने फिर आप बंदा आया, अभी पैसे दे दे, तूने आज का वादा करा था, आपके वादे मैंने कब करा था आज का, मैंने तो एक महीने बाद का करा था, मैंने तो नहीं करा था, मैंने कुछ दिन पहले बाद का करा है. तो आप बोलते हैं भाई डू नॉट रिनीग द प्रॉमिस, अपने वादे से मत मुकर. रिनीग द प्रॉमिस मतलब वादे से मत मुकरना, यू शुड नॉट रिनीग द प्रॉमिस, है ना. सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. एंड आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आई होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.